नमस्ते आनंद फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों को दिवाली की राम राम। आज की वीडियो होगी एक नए स्मार्टफोन के बारे में। देखो, दिवाली से पहले हर स्मार्टफोन कंपनी ने नए नए स्मार्टफोन लॉन्च किए नए नए फीचर्स के साथ और काफी ज्यादा उनका प्रमोशन हुआ, लेकिन उन सबके बीच में वीवो ने चुपके से एक ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। ये है वीवो Y300 Plus, जिसकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे या फिर और कहीं पे चर्चा नहीं रहती। इसकी प्राइस है 23,999 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 24,000। ये स्मार्टफोन सिंगल वेरिएंट और डबल कलर के साथ में आता है, सिल्क ब्लैक और सिल्क ग्रीन, जिसका वजन भी अलग अलग है। सिल्क ब्लैक का वजन है 172 ग्राम और वही सिल्क ग्रीन का वजन है 183 ग्राम। वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके डिजाइन में। ड्यूल कैमरा सेटअप है और लाइट वेट है। कर्व बॉडी आती है, पीछे से भी कर्व है और डिस्प्ले भी इसकी कर्व आती है। और नीचे की साइड आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। सिंगल स्पीकर आते हैं, सिम ट्रे आती है जिसमें आप एक सिम प्लस एक सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम के साथ एक एसडी कार्ड लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ड्यूल कैमरा सेटअप है, बैक साइड में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिलता है। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पर हमको कर्व डिस्प्ले मिलेगी। हर वीवो के कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले साइज रहती है 6.78 इंच की डिस्प्ले, वो भी इसके अंदर है। 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है और एक एमोलेड डिस्प्ले, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आएगा। पंच होल डिस्प्ले है। ऊपर के साइड आपको एक सेल्फी कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का। क्वालिटी में आपको आगे दिखा दूंगा। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। प्रोसेसर इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन का मिलेगा, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 मिल जाएगा। 5G बैंड साथ मिल जाते हैं। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर कोई इशू आएगा नहीं आपको। 8GB इसमें रैम मिलती है, प्लस 8GB और वर्चुअल रैम मिल जाएगी। रैम वर्जन की बात करें तो LPDDR4X की रैम है। और अगर इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात करें कि आपका फोन कैसा काम करेगा, तो मैं डिसेंट कहूंगा, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उस प्राइस पॉइंट में मैं कहूंगा कि प्रोसेसर थोड़ा और अच्छा दे देना चाहिए था, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 कुछ लिमिटेशन के साथ में आता है। जैसे कि हैवी एप्लीकेशन ओपन करोगे या फिर बहुत सारे एप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, ओपन है, तो जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे तो थोड़ा सा लेट खुलेगा, डिले आएगा हल्का सा। और अगर आप क्लोज करोगे तो हल्का सा जर्कीनेस आपको फील होगी। उसका जो क्लोज होने का एनिमेशन है वो आपको जर्की फील करवाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा FPS डाउन हो गए थोड़े। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर आप कोई गेम खेलते हो, जैसे हमारा BGMI, उसमें आप हाई ग्राफिक सेटिंग पे गेम नहीं खेल सकते हो और ना ही आप हाई FPS पे खेल पाओगे। एक और लिमिटेशन है, वो ये कि आप कैमरा में 4K में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। वैसे इस प्रोसेसर की क्या क्या लिमिटेशन है इतना आपको डिटेल में कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो। अब आते हैं इस स्लिम स्मार्टफोन की बैटरी की तरफ। बैटरी यहाँ पर अच्छी रखेगी, 5000mAh की बैटरी है। चार्जिंग स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी, 44W की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट है, आधे घंटे में 50% चार्ज कर देगा। और बैटरी भी 5000mAh की है, तो एक दिन आराम से निकालेगी। इसके अलावा अगर इसके अपन इंग्रेस प्रोटेक्शन की बात करें, IP रेटिंग जिसे बोलते हैं, तो 54 मिल जाएगी, यानी कि स्प्लैश रेजिस्टेंट है और डस्ट रेजिस्टेंट भी मिलेगा। हम देखो कैमरा की बात कर लेते हैं। वीवो का स्मार्टफोन है, कैमरा की बात नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्राइस पॉइंट पे जो कैमरे अदर स्मार्टफोन में मिलते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा कैमरा बेहतर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे कलर्स आपको बिल्कुल भी हाई सैचुरेटेड नहीं मिलेंगे। मतलब आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें जब आप फोटो कैप्चर करते हो तो सॉफ्टवेयर की मदद से उनको एनहांस किया जाता है, जो कि दिखने में अच्छे लगते हैं। अब इतने सारे स्मार्टफोन में हमने उस टाइप के कैमरे यूज कर लिए, तो जब आपको बिल्कुल नॉर्मल कैमरा मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, आपकी आंखों को पसंद नहीं आएगा। और वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो हाईएस्ट आप फुल HD में 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। 30fps और 60fps दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेबलाइजेशन यूज करना है तो फिर आपको इसमें 30fps पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 60fps पे जाएगा ही नहीं। ओवरऑल अगर अपन कैमरा क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट फोटोज आती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो फिर आपको इससे बेहतर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कैमरा स्मार्टफोन नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, यूज करने के हिसाब से लुकिंग वाइज अच्छा हो, बैटरी लंबी चल जाए, फास्ट चार्जिंग मिल जाए, तो फिर आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हो। लुकिंग वाइज मुझे काफी अच्छा लगा और काफी सिल्की बैक पैनल भी है, तो हाथ में इनहैंड फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर आप जरूर लाइक करना और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए अनंत इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। इस स्मार्टफोन को डायरेक्ट मुझसे खरीदने के लिए, यानी कि नया पीस, उसके लिए आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्प्ले के ऊपर होगा। प्रीपेड ऑर्डर पर खरीद पाओगे, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहती है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलेंगे फिर एक कमाल की वीडियो में।